नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मशरूम बिरयानी। ये मशरूम बिरयानी बाई इट सेल्फ ये एक होल मील है। इसको आप रायते के साथ में खाइए, ये एक बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये 20 मिनट में आपको एक बढ़िया सी डिश मिलेगी, तो आइए देखें कैसे बनता है। एक पैकेट मशरूम, 3 प्याज, 2 टमाटर, थोड़ा पुदीना, 3 हरी मिर्च, जिंजर गार्लिक पेस्ट और चावल। मशरूम को पहले हम धोएंगे और उसमें हम नमक डालेंगे ताकि उसमें जो भी इम्प्योरिटी हो वो सब निकल जाए, फिर साफ हो जाएंगे बिल्कुल। चावल लेंगे, ये हम एक कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, एक आदमी के लिए 1 गिलास चावल, तो हमने यहाँ 3.5 गिलास चावल लिया है। तो समझो आपके घर में कोई मेहमान सडनली आ जाता है तो आप 1 गिलास चावल पर पर्सन के हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। इसको हम अब धोएंगे और इसको 20 मिनट तक भिगो के रखेंगे। तो इसको, ये बासमती चावल है, नए भी हो सकते हैं पुराने भी हो सकते हैं, कोशिश होनी चाहिए कि पुराने चावल लें। तो अब हम इसको 20 मिनट भिगा के रखेंगे। तो ये हमारी विधि, इसके हिसाब बिरयानी के हिसाब से तेल डालेंगे पहले, फिर इसमें हम डालेंगे खड़े गरम मसाले जिसमें दालचीनी, इलायची, लौंग इत्यादि, इसको हम तेल में डालेंगे। अब हम डालेंगे 1 तेज पत्ता। अब प्याज का समय आया, प्याज डालेंगे। और देखिए इसको हमको है ना सिम गैस पे बनाना चाहिए, ज्यादा हाई गैस पे रखने से ना वो जल जाते हैं तो वो बिरयानी के फ्लेवर में मजा नहीं आता उसका। तो इसको हम सिम पे बनाएंगे, थोड़े से ट्रांसपेरेंट हो जाए, या आप उसको गोल्डन ब्राउन तक भी आप ले जा सकते हैं। कितना खूबसूरत कलर है देखिए प्याज का। अब टमाटर डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट। कईयों को जिंजर गार्लिक पेस्ट ज्यादा चाहिए रहता है क्योंकि उनको थोड़ा तीखापन चाहिए होता है किसी भी चीज में, तो आप अपने हिसाब से उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल लें क्योंकि उसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका फ्लेवर बिरयानी का। अब हम इसमें ये स्लिट करेंगे हम हरी मिर्च को, इससे हिसाब से टेस्ट बहुत अच्छा आता है इसका। तो आप 3 हरी मिर्च इसमें डालिए, जितने कप चावल होगा उसके हिसाब से हरी मिर्च डालनी होगी। हमने इसको 3.5 कप चावल डाला था तो 100 ग्राम के हिसाब से आप 1 हरी मिर्च डाल सकते हैं। अब पुदीना डालेंगे, पुदीने से इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। अब मशरूम डालने के बारी, जो हमने नमक के पानी में डाल के अच्छे से धो के रखा था, अगर आपको ध्यान हो तो हमने अभी नमक नहीं डाला क्योंकि नमक डालेंगे तो मशरूम पानी छोड़ जाएंगे, तो इस वक्त अब डालने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर में हम डालेंगे। इसमें हमने हल्दी नहीं ऐड करी है, बिरयानी का जो एक अपना कलर होता है वो बहुत अच्छा होता है, हल्दी डालने से वो ज्यादा पीलापन, जिनको पसंद हो वो बेशक डाल लें हल्दी, पर आज हमने हल्दी नहीं डाली है। ये अच्छे से बन गया है, अब हम इसमें इसको हम एक 10 मिनट इसको हम ढक के रखेंगे और जब हम इसका ढक्कन उतारेंगे तो वो कुछ इस तरह लगेगा। अब नमक डालेंगे, थोड़ा सा ही डालेंगे, स्वाद अनुसार, थोड़ा मॉइस्ट हो गया है नहीं। अब पानी डालने का समय आ गया, तो याद रखिए हमने 3.5 कप चावल लिया है तो हम इसमें अब पानी डालेंगे। सो 1 कप, 2 कप, 3 कप, 4 कप, 5 कप और ये 6 कप। इसमें हम थोड़ा सा कम पानी डालेंगे ताकि वो जो चावल है वो बिल्कुल दाना दाना खड़ा हो, नहीं तो वो बिल्कुल एक दूसरे से चिपक जाएगा तो फिर बिरयानी का फ्लेवर नहीं आता। तो अलग अलग दाना, जो खड़ा खड़ा दाना होता है वो बहुत अच्छा लगता है।
इसको अच्छे से हिला लें। अब थोड़ा सा और नमक डालेंगे हम। अब गैस फुल कर देंगे। अब चाहें तो इसमें आप बिरयानी मसाला भी डाल सकते हैं, उसके बिना भी काम चलता है। अब चावल डालेंगे। जैसे ही बॉईल होने लग जाए तो आप इसके ऊपर कुकर की सीटी और कुकर का ढक्कन लगा सकते हैं। सीटी आ गई, अब इसको खोल के देखें। बहुत ही बढ़िया फ्लेवर है, देखिए आप, अलग अलग दाना दाना भी है। ये इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए हमने धनिया डाल दिया है। इसको सर्व करें अच्छे से। तो ये थी हमारी मशरूम बिरयानी, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक कीजिए, अपने घर में इसको बनाइए और अपने कमेंट्स, आपके एक्सपीरियंसेस हमारे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।